सीए फाइनल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, आपकी जो कॉस्टिंग का बेस माना जाता है, दैट इज योर, आता तो डिसीजन मेकिंग के ही प्रोसेस में है, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये चैप्टर हम लोग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है और इनके जो खास कॉन्सेप्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं आपके दो। कौन से वो दो कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हमारा ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर डिपेंड करता है? द फर्स्ट वन इज रेलिवेंट कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो आईपीसीसी लेवल में हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेशन करना सीखा था, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। यूनिट कॉस्टिंग में हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना देखा था। सबसे ऊपर हम लोग रॉ मटेरियल लगते थे, डायरेक्ट लेबर रखते थे, हम लोग का प्राइम कॉस्ट आता था। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे तो हम लोग का वर्क्स कॉस्ट आता था, और उसमें ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसके बाद हमारा आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम एडजस्टमेंट करते थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम एडजस्टमेंट या प्लस करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था। दैट वॉज द प्रोसीजर टू मेंटेन कॉस्ट शीट, बट द कॉस्ट शीट वॉज हेल्पफुल ओनली टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। वी वेयर नॉट कैपेबल टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट शीट। Now that was the marginal costing which made us capable to take the decisions somehow। कुछ हद तक हमको marginal costing ने IPCC में सिखाया कि किस तरह से decision लेते हैं। Clear? हम लोग पूरे final में लगभग decision making पूरा depend रहता है आपके marginal costing पर। मैंने बार बार बोला है मार्जिनल कॉस्टिंग पर डिपेंड रहता है आपका। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग के, थोड़ा और आगे चलने की बात करें, अगर हमें कुछ और डिसीजन लेने हो, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने हो, अरे मार्जिनल कॉस्टिंग ने तो केवल इतना ही बोला था, ना कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं, अच्छी बात है। और मार्जिनल कॉस्ट नहीं बोला था कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी पीरियड कॉस्ट होती है, और इसी मार्जिनल कॉस्ट ने बोला था कि फिक्स कॉस्ट डिसीजन लेने के लिए इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, वैल योर वेरिएबल कॉस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टेक अ डिसीजन। हम आज इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। सपोज करते हैं एक कंसर्न है, जिसको डिसीजन लेना है किस चीज के बारे में, वो मैनेजरियल कॉस्ट के या डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेगी। वो मैनेजरियल कॉस्ट क्या है? पहली कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको भी देखेंगे। संक कॉस्ट, डूबी हुई लागत। ये हमारी मैनेजरियल डिसीजन कॉस्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्ट की, रेलिवेंट को हिंदी में कहते हैं संबद्ध लागतें। क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ रेलिवेंट। आज अगर आपका एग्जाम है नवंबर में, एग्जाम कब है? नवंबर में, अभी नहीं जब आए, मान लेते हैं एग्जाम नवंबर में है। आज मान लेते हैं हम लोग की डेट है 2nd ऑफ मे 2014,
और एग्ज़ाम है आपका 2 नवंबर 2014। आज आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए, मैं आपको इस दौरान जो भी पढ़ाऊँगा दैट इज़ रेलिवेंट। आप इस दौरान घर पे जो भी स्टडी करोगे दैट इज़ रेलिवेंट। मैं अगर कहूँ कि आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया ना उसको घर जाकर फर्स्ट मे को रिवीजन कर लेना, मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसको घर जाकर के 1 तारीख को रिवीजन कर लेना, हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गो बैक? टाइम मशीन तो हम लोग के पास है ही नहीं कि पीछे जा सके। दैट इज़ योर इररेलीवेंट, दैट इज़ योर, बिकॉज वी कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर दिस पीरियड। वी कैन टेक द डिसीजन फॉर दिस वन पीरियड, दिस इज आवर रेलिवेंट टाइम। ये हमारे लिए कौन सा टाइम है? रेलिवेंट टाइम है। मैंने तुमसे कहा ठीक है बेटा, जो आज पढ़ रहे हो ना 2 तारीख को, 10 नवंबर 2014 को रिविजन जरूर कर लेना। मैंने क्या बोला? जो कुछ भी आज पढ़ रहे हो उसका रिविजन 10 नवंबर 2014 को कर लेना। अरे क्या फायदा 10 नवंबर 2014 को रिवाइज करने से? हमारा एग्जाम तो गया, एग्जाम के बाद रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं। जो रिवीजन करना है हमको, हमको 2 मई से लेकर के 2 नवंबर के अंदर करना है। दैट इज योर रेलिवेंट पीरियड, दैट इज योर रेलिवेंट पीरियड, वो चीज़ जो मेरे हाथ में है जिसके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं। तो रेलिवेंस का मतलब पहले समझाया गया कि रेलिवेंस क्या है। रेलिवेंस मीन्स pertinent to the decision at hand, हमने यहां पर relevant cost का मतलब नहीं समझाया, हमने इस एक लाइन में आपको relevance का मतलब समझाया। relevant वो चीजें होती हैं जो आपके हाथ में है decision लेने के लिए, apart from that All the things are irrelevant, चाहे वो period हो, चाहे वो time हो, चाहे वो product हो, चाहे वो cost हो, हर चीज़ का एक time frame होता है। Clear? Relevance means pertinent to the decision at hand. Now, what is the meaning of relevant cost? Relevant cost are those which are चलो यहां पर इस लाइन को हम थोड़ा पॉज दे देते हैं, उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे हम आगे क्या जोड़े। हम दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर से मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, उसने मुझे ये पेन दिखाई, मैंने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन, उसने कहा द कॉस्ट इज 10 रुपीज। कितना बोला? 10 रुपए। मुझे वो 10 रुपए उसको देने हैं, मुझे उस 10 रुपए पर डिसीजन लेना है, क्या वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है? क्या वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है? मुझे शॉपकीपर को, सामने वाले को 10 रुपए पेमेंट करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग दिस पेन। नाउ इज इट योर रेलिवेंट कॉस्ट? यस, बिकॉज दिस इज द फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट, और ये कॉस्ट के से डिसीजन अगर हम लेते हैं तो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट आएगा। दिस इज आर रेलिवेंट कॉस्ट। मुझे डिसीजन लेना है, मुझे 10 रुपए पेमेंट करूं या ना करूं, पेन लूं या ना लूं। जैसे ही मैंने वो 10 रुपए उसको दिए, पेन मैंने ली, क्या ये कॉस्ट रेलिवेंट है? अब जैसे ही पेन मैंने ली, क्या पैसा मेरा डूब गया? क्या मेरा पैसा डूब गया? 10 रुपए दे दिया मैंने उसको, तो पेन नहीं है मेरे हाथ में, डूब गया। निकाल दो दिमाग से, पैसा डूब गया। एज एंड व्हेन आई पेड ₹10 एंड आई गेट द पेन, ₹10 वुड बी ट्रीटेड एज योर संक कॉस्ट। जैसे ही मैंने उसको 10 रुपए दिया, मैंने पेन ली, मेरे 10 रुपए डूब गए, क्योंकि अब उन 10 रुपए से मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। जो डिसीजन लेना था वो मैंने ले लिया। जो भी कॉस्ट हिस्टोरिकल होती हैं वो सारी की सारी डूब गई होती हैं। दोज कॉस्ट आर नोन एज संक कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट
जिन पर आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया वो संक कॉस्ट हो गई। आज सुबह आपने अगर पढ़ाई नहीं की वो संक हो गया, अब आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर है? तो रेलिवेंट कॉस्ट आर दोस विच आर एसेंशियल, जो जरूरी होती। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने दुकानदार के पास गए, मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, उसने कहा ये ब्लू की 10 रुपीज है और ये रेड वाली 12 रुपीज है। ये ब्लू की 10 रुपीज है और रेड वाली 12 रुपीज है। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट, रुपी 10 और रुपीज 12। बच्चे ने कहा 2 रुपए। 10 रुपए या 12 रुपए, बोलो भाई। केवल 2 रुपए। अरे 10 रुपए तो दोनों में जाएगा। ये पेन खरीदोगे, नाउ इट इज 100% श्योर दैट आई हैव टू बाय द पेन एट एनी कॉस्ट। आई विल पे रुपीज 10 इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस। इफ आई विल बाय दिस वन आई हैव टू पे रुपीज 10, इफ आई विल बाय दिस वन देन आई हैव टू पे रुपीज 12। रुपीज 10 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट रुपीज 2। इन 2 रुपयों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं वो 2 रुपये एक्स्ट्रा बर्दाश्त करूँ या ना करूँ। मेरा दिमाग उन 2 रुपयों पर जा रहा है। 10 रुपये तो दोनों केसेस में जाने, दिमाग कहीं ना कहीं सेट हो चुका है कि दोनों केसेस में 10 रुपये तो जाने ही जाने हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। हम किसके बारे में डिसीजन अब लेंगे? 10 रुपये के बारे में डिसीजन नहीं लेंगे। ये लाल पेन खरीदूँ या ना खरीदूँ, 2 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे ऑफ करूँ या ना करूँ, हम इसके बारे में डिसीजन लेंगे। किसके बारे में डिसीजन लेंगे? इस 2 रुपए के बारे में डिसीजन लेंगे। अब क्लियर है? वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है। अरे 10 रुपए तो इररेलीवेंट है, 10 रुपए तो इररेलीवेंट है। अब आते हैं कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आपने टॉपिक स्टार्ट किया था तो कहा था कि फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेते समय जो भी कॉस्ट अराइज होती है वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है। यहां पर तो 10 रुपए भी आपकी फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट है, 12 रुपए भी फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं केवल 2 रुपए ही रेलिवेंट होगी। आप फ्यूचर कॉस्ट 10 रुपए क्यों हटा रहे हैं? वही तो बात है, हमें डिसीजन लेना है। हमें इन 2 पेन के बीच में डिसीजन लेना है, 10 वाली पेन लूं या मैं 12 वाली पेन लूं। 10 रुपए वाला तो जाना ही जाना है, चाहे ये पेन खरीदो चाहे ये पेन खरीदो, 10 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे। केवल मुझे ये डिसीजन लेना है कि 2 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करूं या ना पेमेंट करूं। और इसी को हम लोग कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। कितने को? 2 रुपए को। एक चीज तो क्लियर है कि कॉस्ट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगी, ये तो पक्की बात है कि कॉस्ट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगी। रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट। विच आर एसेंशियल। रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट विच आर एसेंशियल। लेकिन लेकिन दोनों में 10 रुपए और 12 रुपए में रेलिवेंट क्या था? दोनों फ्यूचर की कॉस्ट है। रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, 10 रुपए भी फ्यूचर कॉस्ट 12 रुपए भी फ्यूचर कॉस्ट, विच आर एसेंशियल। लगना तो दोनों है लेकिन रेलिवेंट कितना है? तुम लोगों ने क्या बोला? केवल 2। विच आर एसेंशियल बट differ from alternative course of action। ये आपकी डेफिनेशन है रेलिवेंट कॉस्ट की। तो भाई 2 कैरेक्टरिस्टिक तो हमें सामने नजर आए। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलें फ्यूचरिस्टिक और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। अगर किसी कॉस्ट में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं तो वो हमारी मानी जाएगी क्या? रेलिवेंट कॉस्ट। नोट हो गया?
हाँ बोलें, क्या पूछ रहे थे? बच्चे ने कहा अगर तीन ऑप्शन होता आ रहे हैं उस पर, हटा दें इसको, हटा दें। मैंने ये मशीन बनाने का हम काम करते हैं, मशीन मेरे यहाँ बनती है, लोग आते हैं मशीन खरीद करके जाते हैं। एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर जी मुझे ये मशीन चाहिए। मैंने कहा ले लो। कहा कितने की? मैंने कहा 50,000। उसने कहा मैं पे तो कर दूं लेकिन मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। क्या करने हैं? मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस लाने हैं। अगर आप मुझे मशीन में वो चेंजेस करके दे दें तो हम मशीन खरीद लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैलकुलेशन किया टोटल कॉस्ट मशीन की आने लगी कितनी मॉडिफिकेशन करने के बाद, 60,000। मैंने उसको कहा देख भाई टोटल कॉस्ट आएगी तेरे मशीन की 60,000। उसने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा, ये ले लो 20,000 रुपये। उसने मुझे कितने रुपए दे दिए? 20,000। मुझे उससे कितने लेने बाकी हैं बोलो? 40,000। अब अगर वो मुझे 40,000 दे तो मेरी पूरी कॉस्ट और प्रॉफिट मेरे हाथ में। चला गया ऑर्डर दे करके, 20,000 रुपये उसने कैश दिया, ऑर्डर दिया और चला गया। मैंने एक हफ्ते का समय दिया। एक हफ्ता बीता, मैंने मशीन बनाकर रख ली। दो हफ्ता, तीन हफ्ता, एक महीना, दो महीना, मैंने कहा बात जमी नहीं, चलो कॉल करके पूछ लेते हैं कि बंदा आया क्यों नहीं। मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, अब उसके पास हमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पक्का? मशीन चूंकि कंज्यूमर स्पेसिफाइड थी, नॉर्मल उसका कोई मार्केट नहीं था, मैंने वो मशीन अपने ऑफिस के बगल में लगा दी, किनारे साइड में। चार पांच महीना बीता, एक बंदा वहाँ आया, वो बाकी मशीनों को देखते देखते इस मशीन के बारे में पूछ रहा है, भाई साहब ये मशीन क्या है? मैंने कहा ये मशीन बड़ी अच्छी है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। उसने कहा मैं ले तो लूँगा मशीन लेकिन मैं आपको केवल 30,000 रुपये का पेमेंट करूँगा। कितना पेमेंट करूँगा? कितना पेमेंट करूँगा? जबकि मुझे उससे कितना लेना चाहिए था? कम से कम 40,000। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे ये मशीन उस बंदे को दे देनी चाहिए, हाँ या ना? दे देनी चाहिए, क्लियर है? कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिलेगा, और जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है उसको हम जानते हैं किस नाम से? संक कॉस्ट के नाम से। और संक कॉस्ट जो खत्म हो चुकी चीज, जिस पर पैसा लग गया, जो समय बीत गया वो समय संक पीरियड हो गया, जो पैसा लग चुका वो कॉस्ट आपकी संक कॉस्ट हो गई, और ये हमेशा डिसीजन लेने के लिए इररेलीवेंट होंगे, ये डिसीजन लेने के लिए हमेशा इररेलीवेंट होंगे। पास्ट कॉस्ट जो हमने बियर की हैं, ऑल दोज कॉस्ट आर टू बी नोन एज संक कॉस्ट, एंड नो कैन डिसीजन, नो वन कैन डिसीजन, एवन अ सिंगल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ द संक कॉस्ट। आगे कहानी क्या हुई? उस बंदे ने हमसे कहा सर जी हम ऐसे नहीं ले जाएंगे, इसमें कुछ मेरे हिसाब से भी क्या करो आप, मॉडिफिकेशन करो। क्या करो? मॉडिफिकेशन करो। मैंने कहा क्या करना है तू भी बता दे। उसने कहा ये चीज़। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन से पता चला कि 15,000 रुपये की कॉस्ट और बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस सामान को बेचने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। अब बताओ क्या मैं ये सामान बेच दूँ? क्या मैं ये सामान बेच दूँ? बेच देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 15,000 तो मिला उस सामान से, अदरवाइज ये मेरा तो पूरा वैसे ही ऑलरेडी क्या हो चुका है, डूब चुका है। कुछ तो रिकवरी हुई, उस सामान को रखे रखे अपने स्टोर रूम में खराब कर दो, बेटर ये है कि उससे जितनी रिकवरी हो सके वो रिकवरी कर लो। इसी कंसेप्ट को लेकर आया हमारा कंसेप्ट, कौन सा? रेलिवेंट कॉस्ट।
जब भी हम कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं वहां पर ये कॉस्ट आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे होते हैं आप पास्ट को ध्यान में देते हैं, पास्ट में ये हो गया, टाइम मैंने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, अरे जो बीता उसको भूल जाओ, आगे जो करना है उसके बारे में डिसीजन लो, वही रेलिवेंट है। और यहां पर भी वही रेलिवेंट है जिसके बारे में आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। क्लियर है? प्रॉब्लम कहां आती है? रेलिवेंट कॉस्ट और रेलिवेंट रेवेन्यू कैलकुलेट करने में, रेलिवेंट कॉस्ट एंड रेलिवेंट रेवेन्यू कैलकुलेट करने में सारी प्रॉब्लम इसी में है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बोलो भाई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैं जॉब करता हूं और मुझे मंथली 30,000 सैलरी मिलती है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ये बिजनेस करो, तुमको मंथली 50,000 की रेवेन्यू यानी कि इनकम होगी। बताओ सच सच, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं? मैं जॉब छोड़ दूं या नहीं? मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे 30,000 पर मंथ मिलते हैं। मेरे दोस्त ने कहा ये बिजनेस कर लो, आपको 50,000 पर मंथ मिलेंगे, ये प्रॉफिट है। अब बताओ क्या मैं बिजनेस में जाऊं या ना जाऊं? मैं नौकरी छोड़ दूंगा और बिजनेस में चला जाऊंगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, क्यों? ज्यादा मिल रहा है? कितना ज्यादा मिल रहा है? 20,000। आज तक तो तुम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है सेल्स माइनस कॉस्ट या इनकम माइनस कॉस्ट, बोलो ना। लेकिन आज तुम लोग कह रहे हो फ्यूचरिस्टिक इनकम माइनस फॉरगॉन इनकम। आज तुम लोगों ने क्या बोला? फ्यूचर इनकम माइनस फॉरगॉन इनकम। इसीलिए तो तुम लोग का 20,000 आंसर आया, 50,000 माइनस 30,000। और तुमने कहा हाँ हम बिजनेस में जाएंगे, 20,000 ज्यादा कमाएंगे। इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इस 50,000 को, इस 30,000 को या इस 20,000 को? किसको? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 30,000। जरा देखें क्या है डेफिनेशन। जो चीज लेस करते हो वही तो कॉस्ट होती है। यहां पर भी क्या लेस किया? तो ये आपको किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉस्ट को। और इसी को हम लोग नाम देते हैं फॉरगॉन इनकम को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या डेफिनेशन देंगे, ढंग से सुने। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट, ढंग से सुनना, डेफिनेशन इसी में ही पूरी हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन, द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ, इसके चक्कर में, द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The value of a benefit foregone is known as opportunity cost. The value of a benefit foregone known as opportunity cost, but this foregone must be in favor of a second option. Clear है? पक्की बात है। किसी एक option को लेने के लिए किसी
एग्जिस्टिंग वर्क को जब हम छोड़ते हैं या उसके बेनिफिट को हम फॉरगो करते हैं तो उससे जो कॉस्ट, वो जो कॉस्ट होती है या प्रॉफिट फॉरगो करते हैं उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि अब हमारा डिसीजन वही होगा जो हमें उस फॉरगोन प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाए। क्या चाहते हो फ्यूचर में, इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेना या कम? ज़्यादा, तभी तो डिसीजन लिया। इसीलिए फॉरगोन कॉस्ट, फॉरगोन इनकम हमेशा क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हटा सकते हैं इसको, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन is known as opportunity cost. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है सर? आखिर ये चैप्टर या ये टॉपिक्स दोनों हमको किस तरह से वर्क करेंगे? हटा सकते हैं इसको। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम डिसीजन लेंगे उस समय जो मेरी कॉस्ट होंगी, या तो वो कॉस्ट मेरी मटेरियल कॉस्ट होगी, किसी भी प्रोडक्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। या तो इस कॉस्ट के कंपोनेंट में मटेरियल कॉस्ट होगी, या तो लेबर कॉस्ट होगी, या तो फिर ओवरहेड। अगेन अगर ओवरहेड को बाइफर्केट किया जाए तो हम दो तरह से ओवरहेड को बांटते हैं, पहला फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेकंड वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर? ओवरहेड को हम कॉस्ट लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? पक्का? ये तीन कंपोनेंट होंगे जो हमेशा हमारे डिसीजन के बीच में आएंगे। जब भी मैं डिसीजन लूंगा, मशीन को सुधार करके बेचूं या ना बेचूं, मशीन में और कॉस्ट इनकर करूं या ना करूं, ये हमेशा तीन कंपोनेंट ही हैं जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट है? मटेरियल कॉस्ट का कंपोनेंट। अब तुम लोग बताते जाओगे कि कौन सी कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट मेरे लिए इररेलेवेंट है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, और वो भी किस कॉस्ट की? मटेरियल कॉस्ट की। अब अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट, मुझे मटेरियल पर खर्च करना है, क्या करना है? खर्च करना है। अगर मैं इस प्रोडक्ट पर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करता हूँ, या मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं तब की भी बात कर रहा हूँ, मुझे इस पर मटेरियल कॉस्ट लगानी है। मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहा है, बताओ उस प्रोडक्ट पर जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट होगी या इररेलीवेंट होगी? ऐसे ना बोलो, पहले मुझे सेंटेंस पूरा करने दो। मैं इस प्रोडक्ट पर अब जो मटेरियल कॉस्ट बियर करूंगा, वो क्या केसेस हैं जब वो मटेरियल की कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट इररेलीवेंट होगी? आगे, वो कौन सी कॉस्ट होगी मटेरियल की, अगर तुम लोग कॉस्ट को जानते हो तो कॉस्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट का नाम सुना होगा। कॉस्ट हमारी बुक वैल्यू भी होती है, कॉस्ट हमारी ओरिजिनल कॉस्ट भी होती है। हमने मटेरियल को खरीदा है, मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ है 10,000 का, मुझे डिसीजन लेना है और मैं यही मटेरियल यूज करूंगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इसके लिए, पक्की बात है?
अब मुझे ये देखना है जो मैंने कॉस्ट इनकर की क्या वो रेलिवेंट है या नहीं। जो कॉस्ट मैंने इनकर की थी उसको हम नाम देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, क्या नाम देते हैं, या इनकर्ड कॉस्ट। अरे अगर इस मटेरियल को यूज कर लेंगे तो बाकी जो मेरा बिजनेस चल रहा है क्या उसमें मटेरियल यूज नहीं होता? नहीं होता, मेरे बिजनेस में मटेरियल यूज होता है, उस बिजनेस उस मटेरियल से मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, सेल करता हूं। अगर मुझे इस पेन पर ये मटेरियल खर्च करना है तो इस मटेरियल को निकालना पड़ेगा, इस पेन के लिए ये मटेरियल यूज हो जाएगा इस पेन पर। जो दूसरे प्रोडक्शन या दूसरा प्रोडक्ट मेरा बन रहा है क्या उसमें मटेरियल यूज नहीं हो सकता था? हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। हो सकता है ये मटेरियल मेरे पास फालतू पड़ा हो सकता है ये मटेरियल जो मेरे पास पड़ा है मार्केट में अवेलेबल ना हो सकता है ये जो मटेरियल मेरे पास पड़ा है उसकी मार्केट में इजीली सप्लाई होती हो सकता है। मैं ये मटेरियल अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर लूँ तो इस मटेरियल को मुझे फिर से लाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, हो सकता है इस मटेरियल को दोबारा लाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट को दो पार्ट में बांटो, क्या ये मटेरियल मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है या मेरे पास स्टॉक में मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो, क्या ये मटेरियल मेरे पास स्टॉक में मौजूद है या नहीं। अच्छा, अगर ये मटेरियल जो 10,000 का मटेरियल है मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है या मेरे पास स्टॉक में नहीं है, डिसीजन तुम लोग को ही बताना है। सुनो इधर, अगर ये मटेरियल मेरे पास स्टॉक में है तो हो सकता है कि ये स्टॉक रेगुलर यूज का हो। कौन सा यूज का हो? फ्रेक्वेंट यूज होता हो इस मटेरियल का, नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, या हो सकता है कि रेयर यूज होता हो, कभी कभार यूज होता, हमेशा ये मटेरियल हमको यूज नहीं होता। पहला, मटेरियल मेरे पास है या नहीं है, पहले तो ये दिमाग में बैठाओ। अगर मेरे पास मटेरियल का स्टॉक पड़ा है क्या वो रेगुलर यूज में होता है या रेयर यूज में है? पड़ा है मटेरियल मेरे पास, अगर इसको निकालेंगे तो फिर लाना पड़ेगा, इसको निकालेंगे तो फिर खरीदना पड़ेगा। दूसरा, निकाल दिया कोई जरूरत नहीं है, अरे खाली करना था ना उसको, रेयर यूज है, फालतू पड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है, रेगुलर यूज है। आगे सोच कर बताओ आगे क्या डिसीजन लें। अगर रेगुलर यूज है और मार्केट से हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, सोचो ना, रेगुलर यूज है, मैंने खाली कर दिया, अब इसको क्या आराम से भर सकते हैं? यहाँ बड़ी मुश्किल होगी भरने में, जो मैंने खाली किया इस प्रोडक्ट के चक्कर में दूसरे सामानों को किनारे रखकर, क्या ये मटेरियल दोबारा आसानी से आ जाएगा? यहाँ बड़ी मेहनत लगेगी, दोनों चीजें सोचो ना। अगर इजीली अवेलेबल है या रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तब क्या करेंगे, और इजीली अवेलेबल है तो क्या करेंगे। और अगर रेयर यूज होता है मटेरियल का, कौन सा यूज होता है, कौन सा, कभी कभार यूज होता है, फिर से आगे सोचो क्या हो सकता है। मैंने पहले फिर बताया, मैं फिर से वापस आता हूँ, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है या स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है, पहले तो ये देख लो। अगर स्टॉक है मेरे पास तो अगला स्टेप ये होगा, क्या वो मेरे बिजनेस में रेगुलर यूज होता है या रेयर यूज होता है। अगर वो मटेरियल मेरे बिजनेस में रेगुलर यूज होता है, बोलो, अगर वो स्टॉक मेरे लिए रेगुलर यूज होता है तो क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल है या रेस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी है।
हाँ यहाँ तक तो हो गया, फिर से बात करते हैं। स्टॉक में तो है लेकिन उसका यूज कभी कभी होता है। क्या होता है? क्या होता है? कभी कभी होता है। अगर इसका यूज कभी कभी होता है तो फिर से दो चीजों में आओ। क्या इस स्टॉक को जिसका रेयर यूज होता है हम अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं या नहीं? एज अ सब्स्टिट्यूट उसका यूज हो सकता है या मेरे पास गंदगी की तरह रखा हुआ है, बेच डालो। बात समझना, क्या उस स्टॉक का मेरे पास कोई यूज है या उसको बेचना ही एक पर्पज है? तो रेयर यूज में सब्स्टिट्यूट है या डिस्पोज ऑफ करना है? क्या करना है? ये वो डिसीजन है जब मेरे पास स्टॉक रहता है और हमको इन चार में से कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। स्टॉक मेरे पास है और मुझे इन चार में से डिसीजन लेना है। अभी मैंने नॉट इन स्टॉक की तो बात ही नहीं की। वापस आते हैं, अब तुम लोग बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। मैं यहां पर लिखता जाऊंगा। हाँ बताओ, मैं अब क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग हमें बताओगे रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, क्या माना जाएगा और क्या नहीं माना जाएगा। ठीक, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 10,000 रुपये की कॉस्ट का। कितने की कॉस्ट का? 10,000 रुपये की कॉस्ट का। और ये मटेरियल रेगुलर यूज होता है, 5,000 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से रेगुलर यूज होता है, इजी अवेलेबल हो जाता है। अगर मैंने ये 10,000 इसके लिए निकाल भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, इजी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की। तो बताओ मुझे दोबारा उसी पोजीशन में आने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? दस हजार तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 की बात है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के लिए मैं यहां से निकाल लूंगा अपना सामान, फिर से मुझे भरने के लिए 10,000 रुपये लगाने ही पड़ेंगे। फ्यूचर में मुझे 10,000 जाएंगे ही जाएंगे। दैट इज योर रेलिवेंट कॉस्ट। अच्छा, अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई का मतलब इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मैंने ये सामान स्पेन में यूज कर लिया बेटा तो कॉस्ट तो इसकी गई गई। सुनना ढंग से। दूसरा, जो इस मटेरियल के अब न ला पाने के कारण मटेरियल अब आ नहीं पाएगा, और जब मटेरियल आ नहीं पाएगा तो जो सामान इससे बनना चाहिए था वो अब बन नहीं पाएगा, और जब वो दूसरा सामान बन नहीं पाएगा तो उसको हम सेल कर नहीं पाएंगे, और जब हम सेल कर नहीं पाएंगे तो उसका लॉस तो उठाना पड़ेगा ना, उसका लॉस उठाना पड़ेगा ना। यानी अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट दो लोगों का जोड़, दो चीजों का सम, दो चीजों का सम। बताओ क्या जो हमारी कॉस्ट है वो तो गई गई, प्लस जो हम इससे दूसरे प्रोडक्ट से कमा सकते थे जो अब हम फॉरगो कर रहे हैं वो। नहीं समझ में आई बात? ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है भाई। जो गया गया, अब जो दूसरा प्रोडक्ट नुकसान उठा रहे हैं वो भी तो नुकसान अब इसी पर डालेंगे। यहां तो वो मेरा दूसरा प्रोडक्ट बन जा रहा था, क्योंकि इसको वहां ले जाने से हमारा पहला वाला प्रोडक्ट तो आराम से बन रहा है, दूसरा वाला प्रोडक्ट भी आराम से बन रहा है। पक्की बात है? बोलो। अब अगर बात करें, मेरे पास स्टॉक तो है लेकिन रेयर यूज होता है, कभी कभार यूज होता है, और इस स्टॉक का सब्स्टिट्यूट है, इस स्टॉक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इस स्टॉक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हम चाहें तो इस प्रोडक्ट को दूसरी जगह यूज कर सकते हैं,
और अगर हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर ये हमें 8,000 रुपये के बराबर का फ़ायदा देगा। मेरे पास स्टॉक था कितने का? 10,000 का, और इसका रेयर यूज़ हो सकता है कहीं किसी प्रोडक्ट में यूज़ हो। रेयर यूज़ यानी कि कभी यूज़ हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फालतू का पड़ा हुआ है। और इसका हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और जब हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो मेरी कॉस्ट की सेविंग आएगी वो होगी 8,000। बताओ मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मेरे पास स्टॉक कितने का है? 10,000 का। रेयर यूज़ हो सकता है यानी नॉर्मली यूज़ नहीं होता, नॉर्मली यूज़ नहीं होता। अगर हम इस स्टॉक को निकाल दें, क्या कर दें, रेयर यूज़ होता है, सेल कर दो इस स्टॉक को, हमें इस स्टॉक से मिलेगा 10,000। या तो फिर इस स्टॉक को यूज़ कर लो सब्स्टिट्यूट में। कहाँ यूज़ कर लो? हम ये पेन पर बनाने पर खर्च कर रहे हैं, ये स्टॉक हम कहाँ ले जा रहे हैं? इस पेन को यूज़ करने में, बनाने में। इस स्टॉक के दो यूज़ हैं, या तो इसको मार्केट में बेच दो 10,000 रुपये ले लो, या तो फिर यूज़ कर लो दूसरे प्रोडक्ट में। और जब यूज़ करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा केवल 8,000 रुपये, पक्की बात है। क्यों? या तो ये स्टॉक भाई पड़ा हुआ है फालतू, इस पेन में यूज़ करना है, या तो अगर हम उसको बेच दें तो 10,000 ले लो, या दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर लो, 8,000 रुपये के बराबर का बेनिफिट उठा लो। बताओ अब मेरे लिए इस प्रोडक्ट पर उसकी कितनी कॉस्ट चढ़ा है, मैं किसको गंवा रहा हूँ, 10,000 गंवा रहा हूँ या 8,000 गंवा रहा हूँ? बेसिकली अगर मैं ये प्रोडक्ट स्पेन पर नहीं चार्ज करता, अगर ये प्रोडक्ट मैं स्पेन पर नहीं ले जाता तो मैं जानते हो क्या करता, मैं उसको बेच देता, और बेच करके कितना कमाता? 10,000। अगर मैं बेच करके 7,000 कमाता तो बताओ मैं कहाँ जाता? मैं 8,000 वाले पर जाता, सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर लेता। यानी इन दोनों में जो ज़्यादा हो, इन दोनों में जो ज़्यादा हो। अब कौन सी दो चीज़ों में ज़्यादा हो? हायर। कौन सी दो चीज़ें? या तो सब्स्टिट्यूट की कॉस्ट सेव्ड, या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोलो इन दोनों में जो अधिक हो। क्लियर है? अच्छा, ये मेरे पास स्टॉक है, इसका रेयर यूज़ है। रेयर यूज़ क्या है? इसको डिस्पोज ऑफ करना है, मेरे पास और कोई दूसरा यूज़ नहीं है, इसको क्या करना है? बेच दो, अब कोई यूज़ नहीं है, फालतू पड़ा हुआ है गोडाउन में स्टॉक, इसको क्या करो? बेच दो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो कॉस्ट शिफ्ट तो कर नहीं सकते, केवल नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। क्या होगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और यही नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मैं लूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ये याद रखना, यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन। नाउ दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बिकम अ रेलिवेंट कॉस्ट टू यू। यहाँ पर भी जो वैल्यूज हम लोग कमा सकते थे वो अब हम लूज कर रहे हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम कमा सकते थे, जो हम कमा सकते थे, अब मैं छोड़ रहा हूँ इस पेन को बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट का काम करेगा। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट का काम करेगा। क्लियर हुआ? नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार मैं हटा रहा हूँ ये पूरा, फिर से इस चीज़ को एक बार समझाता हूँ। ठीक, हमेशा एक चीज़ ध्यान देना जो तुम लोग भूल जा रहे हो, हम इस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, ये प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ होगा। क्लियर? अब या तो ये मटेरियल क्या है, मेरे स्टॉक में मौजूद है या मेरे स्टॉक में मौजूद नहीं है। बोलो भाई।
अगर ये स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है और नॉर्मल यूज होता है, इसका आता है और जाता है, और कभी यूज नहीं होता, बहुत ही कम यूज होता है, अचानक यूज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कभी कोई पूछने वाला भी नहीं, रेयर यूज। अगर मेरे पास रेगुलर यूज होता है उस स्टॉक का और अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी जितना खरीदना चाहो उतना सामान मार्केट से मिल जाएगा, या रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है उस सामान की, यानी जितना आप सोच कर चल रहे हो वो नहीं है, पक्की बात है। अगर अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट। ये सामान अगर हम इस प्रोडक्ट में यूज नहीं किए होते तो हम उस सामान को नॉर्मली दूसरे प्रोडक्ट में यूज किए होते, और दूसरे प्रोडक्ट में जब हम उस सामान को यूज करेंगे तो खाली करने और भरने पर मुझे 10,000 रुपये ही लगते, पक्की बात है। अब ये सामान हम इस प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं तो खाली तो हो गया बेटा, दूसरा प्रोडक्ट तो अपना मुंह खोलेगा ही कि मुझे मेरा सामान वापस करो, कहेगा। और जब हम उसको सामान वापस करेंगे तो मुझे मार्केट से खरीद करके देना पड़ेगा, और मार्केट में नॉर्मली सामान आराम से मिल जाता है, तो जो सामान मैंने खाली किया उसको दोबारा भरने की जो लागत आएगी कॉस्ट, वही मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी, क्लियर है। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी जितना चाहो मटेरियल उतना नहीं मिलेगा, जितना चाहो मटेरियल उतना नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो क्या करें, बोलो कहाँ जाएंगे भाई। हम इस सामान को अगर यहाँ यूज कर लेंगे तो दोबारा भरने में हमको मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी, बोलो पता नहीं सामान दोबारा हम भर भी पाएंगे या नहीं, नहीं भर पाएंगे, इजी अवेलेबल नहीं है। अगर मैंने सामान खाली कर दिया यहाँ पर 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे जो कम हो गया सामान उसको हम दोबारा भर नहीं पाएंगे, और इस सामान को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे नॉर्मल प्रोडक्शन में, और जब हम इस सामान को नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन का नुकसान होगा, मेरा प्रॉफिट का नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा। एक तो ये 10,000 रुपये की लागत का सामान गया गया, और दूसरा जो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है दूसरे प्रोडक्ट को न बनाने पर, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्लस क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारा आ जाएगा रेलिवेंट कॉस्ट। अगर हम रेयर यूज की बात करें, किसकी बात करें, रेयर यूज की, दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब्स्टिट्यूट है सामान को यहां नहीं तो कहीं और यूज कर सकते हैं, इस सामान को यहां नहीं तो यहां यूज कर सकते हैं, या तो इस सामान को मार्केट में बेच ही डालो या तो उसका यूज कर डालो, और या तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेचना ही एकमात्र उपाय है। बताओ अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और 10,000 रुपये की मटेरियल का सामान अगर हम सेल कर सकते हैं मार्केट में 12,000 में, और इसका यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, जो दूसरा सामान हम बनाते हैं उसमें यूज कर ले रहे हैं, तो वहाँ अगर यूज कर लेंगे तो वहाँ पर जो कॉस्ट की सेविंग होगी वो 8,000 के बराबर होगी। तो अगर हम इस 10,000 का सामान इधर न यूज करते इस प्रोडक्ट में तो हम क्या किए होते, बेच दिए होते, पक्की बात है। उल्टा कर देते हैं, NRV 8,000 है और सेविंग 12,000 की है। अगर हम ये सामान इस प्रोडक्ट में यूज़ ना किए होते तो हम इसको दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर लिए होते, जहाँ पे मेरी बचत कितनी हो जाती, 12,000। तो कहा गया इन दोनों में जो क्या हो,
हायर हो, पक्की बात है, इसकी बात करते हैं। अगर सेल ही करना है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी या वो रेलिवेंट कॉस्ट का काम करेगी। क्लियर हुआ? पक्की बात है? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सोच लें एक बार, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस चीज़ को पूरी तरह से डिटेलिंग करके पढ़ के आएंगे, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।